एनआईटी हमीरपुर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने एनआईटी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अब मोर्चा खोल दिया है और सैकड़ों कर्मचारियों ने कामकाज ठप करके पिछले दो दिनों से एनआईटी परिसर में धरना पर बैठे हुए हैं। एनआईटी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीधे एनआईटी प्रशासन पर आरोप चढ़ा है कि ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों के समन्वयक की मनमानी से खफा होकर कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने समन्वयक पर शोषण करने का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि एनआईटी परिसर में पिछले दो दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है तो उल्टा एनआईटी के काम करवाने के बाद कोऑर्डिनेटर द्वारा घर का काम करवाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सफाई कर्मचारियों को गंदी गालियां दी जाती हैं और कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। एनआईटी परिसर में आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर को कवर करने गए हुए पत्रकारों के साथ मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बदतमीजी किए जाने पर प्रेस क्लब ने कड़ा रोष प्रकट किया है। धरना कवर करने गए हुए पत्रकारों को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा अपशब्द कहने पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किए जाने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश कंबर के साथ पूरे पत्रकारों ने एनआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और जल्द ही इसकी शिकायत करने का भी निर्णय लिया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर कर्मियों की बैठक विश्राम गृह नूरपुर में हुई। बैठक में जिला के कई संघ महिला पदाधिकारी उपस्थित रही। इसमें हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मौत का ग्रास बनी आशा वर्कर सविता देवी को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जो कि उन्हें मिल भी गया है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री के आभारी हैं। मदन राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी इसी मन की बात में कहा था कि सभी आशा वर्कर का बीमा सरकार निशुल्क करेगी ताकि मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने सविता का बीमा नहीं करवाया, जबकि सविता का बीमा कराना विभाग का उत्तरदायित्व था। उन्होंने कहा कि इस सड़क दुर्घटना में जहां सविता की मौत हो गई थी, वहीं उनके पति भी पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। ऐसे में अगर सविता का बीमा हुआ होता तो परिवार को आर्थिक मदद मिल जाती। उन्होंने कहा कि जिन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर वर्ग की बात सुनते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से वे मांग करना चाहते हैं कि जिस विभाग के लापरवाही के कारण जहां एक तरफ परिवार आर्थिक सहायता से वंचित रहा है, वहीं इससे सरकार की भी किरकिरी हुई है। ऐसे में सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। हमीरपुर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नन्ही 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ अधेड़ द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस ने 47 साल के दुकानदार पर 5 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने पर फिलहाल पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को आज दोपहर बाद हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर के बीचों बीच नेपाली बच्ची और उसका परिवार किराए के कमरे में रहता है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। पीड़ित परिवार नेपाल से संबंध रखता है और बच्ची की मां ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला 3 दिन पहले का है, लेकिन गुरुवार शाम को बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजनों को पूरी बात बताई, जिस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी की उम्र 47 साल है और जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव का ही रहने वाला है। बेरोजाना बच्चे को टॉफी और चॉकलेट देता था। उसने पीड़ित को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म किया। बच्ची के क्वार्टर से
कुछ ही दूरी पर ही आरोपी दुकान करता है। वहीं पुलिस ने पीड़ित के परिजनों के बयान कलमबद्ध किए और पीड़ित का मेडिकल करवाया गया। नेपाली मूल की बच्ची के मामले में स्थानीय कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया है। इस दौरान थाने में उन्होंने नेपाली परिवार से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया है।